हमें क्या पता ये आपने कैसा जो एनिमल था वो बीमार था या कैसे वो पहले का ठीक था नहीं था कैसे हमने तो वही नहीं है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से एक ड्राइव कंडक्ट की जा रही है जिसमें खास तौर पर जो मीट चिकन शॉप्स हैं जो हमारे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लिमिट्स के अंदर ऑपरेट करती हैं उनकी इंस्पेक्शन कंडक्ट की जा रही है और उसमें खसूसन तौर पर देखा जा रहा है कि जहां वहां जो मीट सेल हो रहा है क्या वो स्टैम्प्ड है कि नहीं है। स्टैम्प्ड मीट से मेरी मुराद यही है कि जो एनिमल स्लॉटर होने चाहिए वो हमारे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जैसे दो स्लॉटर हाउसेस हैं उनकी स्लॉटरिंग वहाँ होनी चाहिए सो दैट के मीट जो सेल हो प्रॉपरली स्टैम्प्ड हो हाइजीन उसकी क्वालिटी जो है अच्छी हो होलसम हो हेल्दी हो फिट फॉर कंजप्शन हो और इसके साथ ही शॉप्स की जो प्रमिसेस है उसकी हाइजीनिक कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। जो मीट हैंडलर्स हैं उनकी अपनी साफ सफाई ठीक होनी चाहिए जैसे उनके नेल्स बड़े हुए नहीं होने चाहिए प्रॉपरली ट्रिम्ड होने चाहिए हेयर क्लिप्ड होने चाहिए अगर हो सके तो यहाँ तक इनको कैप्स वगैरह डालनी चाहिए ग्लव्स वगैरह डालनी चाहिए। तो यही चीज़ें हम आज देख रहे हैं इंश्योर कर रहे हैं और जो लोग डिफॉल्टर्स हैं उनको पेनल्टीज भी इम्पोज की जा रही हैं और अगर हमें कहीं अनहेल्दी अनहोलसम मीट दिख रहा है या अनस्टेम्ड मीट दिख रहा है तो उसको हम सीज कर रहे हैं। बाकी मेरे आपके बसादत से यही इन लोगों से अपील है जो भी ये लोग हमारे शहर के अंदर मीट चिकन शॉप्स के काम से जुड़े हुए हैं कि आप काम कीजिए लेकिन प्रॉपर तरीकाकार फॉलो कीजिए जैसे स्लॉटर रूल्स फ्रेम किए गए हैं उसमें मीट ऐसे ओपनली हैंग नहीं करना है मीट बाहर से दिखना नहीं चाहिए। इनकी शॉप्स की जो फ्रंट जो ग्लास पेंट्स हैं वो ब्लैक होने चाहिए जैसे कि बाहर से मीट एक्सपोजर में नहीं आना चाहिए।
और शॉप्स की अपनी जो प्रमिसेस है उसकी साफ़ सफाई अच्छी होनी चाहिए, मीट हैंडलर की अपनी साफ़ सफाई ठीक होनी चाहिए, और जहाँ तक जो मीट जो इसमें जो कट्स वगैरह जो वेस्ट वगैरह जो जनरेट होता है उसका प्रॉपरली डिस्पोज करना है, वो नालियों में नहीं जाना चाहिए। जो लोग अगर इसमें हमें कहीं कोताहियाँ दिख रही हैं तो मौके पर फाइन पेनल्टीज इम्पोज कर रहे हैं, मीट भी सीज कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में भी ऐसे ड्राइव जो है कंटिन्यू रहेंगे। अभी जैसे हम CPO चौक में हैं, इसके बाद शायद हम जानीपुर की तरफ चले जाएंगे, ये थोड़ा सा सरप्राइज ड्राइव रहते हैं, तो हम रेगुलर बेसिस पे मंथली बेसिस पे इसको हम कंडक्ट करते रहते हैं। जैसे अभी तक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें लगभग कोई 1.5 लाख के करीब हमने फाइन इम्पोज किया है, जो भी डिफॉल्टर्स रहे हैं, जो मैं इस साल का जो आपको मैं बता रहा हूँ, जिन भी लोगों का जैसे मीट अनहोलसम था, प्रॉपरली स्टैम्प्ड नहीं था, तो उनको हमने फाइन इम्पोज किया है। तो ये ड्राइव हमारे कंटिन्यू रहते हैं, लोगों को हम समझाते रहते हैं कि आप काम कीजिए, हमें आपसे कोई ऐसा नहीं है, ये आपका बिजनेस है, आपका लाइवलीहुड है, लेकिन जो प्रॉपर तरीकाकार है उनको फॉलो कीजिए। अगर कुताहियाँ दिखेंगी तो हमें थोड़ा सख्ती से उस पर हमें आपके सामने थोड़ा वो जैसे फाइन पेनल्टीज हैं, और यहाँ तक कि मीट शॉप जो है सील भी की जाएंगी आने वाले वक्त में।